प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। सत्संग, सत्य का संग, सत्य का संग। हम 2400 घंटे असत का संग करते हैं, इसीलिए दुखी सुखी ज्यादा होते हैं। सत्य का संग करेंगे तो उतनी दुख सुख की चोटें कम लगेगी, और दुख सुख की चोट तो होनी ही है, दुख सुख तो आना ही है, उसके बिना तो संसार की गाड़ी चलेगी नहीं। तो जैसे हम 24 घंटे में से कुछ समय अपने बच्चों को देते हैं, कुछ समय अपने परिवार को देते हैं, कुछ समय भोजन को देते हैं, कुछ समय हमारी ऑफिस को देते हैं, ऐसे ही कुछ समय सत्संग को जरूर देना चाहिए। जो व्यक्ति सत्संग करता है वही व्यक्ति अपना कल्याण करता है। शास्त्र कहते हैं जिसे अपना कल्याण करना हो कम से कम उस व्यक्ति को 2.5 घंटे भगवत भजन में बिताने चाहिए। भगवत भजन मतलब जप करना, ओमकार का जप करना, श्वासोश्वास की गिनती करना, सत्संग सुनना, उस सत्संग का मनन करना, ना ना करते हुए एक गृहस्थी को भी अपना कल्याण करना हो तो उसे 2.5 घंटे कम से कम भगवत भजन में देने चाहिए। हम तो 2.5 मिनट बैठते हैं और हमारी स्पीड इतनी माला की फटाफट हो जाती है कि निकाल निकाल के देखते हैं फूल आया कि नहीं। पूरा दिन हम बक बक कर देते हैं, पूरा दिन हम यहां वहां की चर्चाएं और बातें कर देते हैं। जब माला करने बैठते हैं तो हमें 100 काम याद आते हैं। अरे फलाने को टिफिन देना था, अरे उसको फोन करना था, पर क्या 1/2 घंटे बाद नहीं हो सकता? क्या दुनिया को प्रलय हो जाएगी अगर आप अभी फोन नहीं करोगे? तो ऐसी जल्दी मालाएं होती है, ऐसी फटाफट समय, तब समय देखा जाता है। बातों में समय कहां चला जाता है पता नहीं चलता, पर अगर 5 मिनट भी 2 मालाएं करनी है तो निकाल निकाल के देखते हैं कहां ये भी आधी है, चल फटाफट कर लेते। वहां राजधानी चलती है एकदम फटाफट, मालाएं कैसे पूरी हो उसकी चतुराई चल पड़ती है। मेरी बात पर ध्यान देना, जितना ही आपका भजन अच्छा उतना ही आपका सुरक्षा कवच बढ़िया है, मजबूत है। जितना हमारा भजन कमजोर है उतना ही हमारा मन कमजोर है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनको इतना सब कुछ बीत जाता है फिर भी उनका चित्त विक्षिप्त नहीं होता, और ऐसे लोग भी हैं कि थोड़ा सा क्या कुछ हो जाता है परेशान और दुखी होने लगते हैं। तो जितना भजन बढ़ता है उतना ही मन की मजबूती बढ़ती है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि हमें 2.5 घंटे प्राप्त नहीं हो सकते। अगर हम 2.5 घंटों को छोड़ देते हैं तो हम 1.5 घंटा पकड़ ले, क्या हमारे पास 1.5 घंटा नहीं है? है कि नहीं? ईमानदारी वाला है कि नहीं? है ना? चलो 1.5 भी छोड़ दो, 1/2 घंटा है। ईमानदारी वाला उसमें फिर माला करने बैठो तो देख तो किसका मोबाइल बज रहा है ना, ऐसा नहीं। केवल आप और आपके परमात्मा होने चाहिए। इतनी ईमानदारी अगर आपके भजन में होती है तो हम निश्चित रूप से कहते हैं आपको भगवान को नहीं ढूंढना पड़ेगा, भगवान आपको ढूंढेगा। अपना कल्याण चाहने वाले साधक को अपने कल्याण को ढूंढना नहीं पड़ता, कल्याण उसको ढूंढता हुआ आता है। सांसारिक चीज वस्तुओं का प्राप्त करने के लिए आपको उन तक जाना पड़ता है, उनका उपयोग करना पड़ता है, पर जिस व्यक्ति को अपने कल्याण का लक्ष्य है कल्याण उसको ढूंढता हुआ उसका चयन करता है, ये पक्की बात है। और प्रत्येक मनुष्य को अपने कल्याण की कामना होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि खाना पीना, बच्चों को जन्म देना, भय की अवस्थाओं में भयभीत हो जाना,
अगर ये हम आम तौर पर इन क्रियाकलापों को देखते हैं तो हम में और पशुओं में कोई खास अंतर नहीं दिखता है। क्या उन्हें बच्चे नहीं होते? होते हैं। क्या उन्हें उनकी शादियां नहीं होती? होती है। अच्छा है, बिना खर्चे वाली होती है। हमारी शादियां तो इतने खर्चे वाली होती कि आदमी खत्म हो जाता। उनमें शोबाजी नहीं होती, हमारे में शोबाजी होती है। उनकी तो शादी कब हो जाती पता ही नहीं चलता, हमें इनविटेशन देने पड़ते हैं, बुलाना पड़ता है लोगों को। उनका पार्टनर उनको मिल जाता है, आपको ढूंढना पड़ता है, उनको ढूंढना भी नहीं पड़ता है ना। एक मच्छर को अगर मच्छरी मिल जाती है, एक बैक्टीरिया को अगर बैक्टीरिया मिल जाती है उसकी मिसेस, तो मनुष्य को अगर उसकी पत्नी और पति को उसका पति मिल जाए तो बैक्टीरिया से कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं हुआ। ठीक ठीक बात ना, हमने क्या बड़ा काम कर लिया? अगर हमने कुछ कमा के अपना पेट पाल लिया तो हमने पशुओं से ज्यादा क्या किया? वो हमें तो इंटरव्यू देने जाना पड़ता है, कुत्ते को तो कोई इंटरव्यू भी नहीं देने जाना पड़ता। बाबा मैं वहां से फ्री हुआ हूं, मेरा रख ले, इतने साल का एक्सपीरियंस है। कोई इंटरव्यू होता है क्या कुत्ते का? कभी देखा? कभी गाय इंटरव्यू देने जाती है कि बाबा मेरा इतना दूध है, 10 लीटर था, अभी मेरा दूसरा बच्चा होने वाला है, मुझे कोई तो ले जाओ। उसे इंटरव्यू देने नहीं जाना पड़ता, किसी भी पशु को भोजन मांगने नहीं जाना पड़ता, फिर भी उसे भोजन मिलता है। ठीक। गाय को अपनी स्वस्थता के लिए इंटरव्यू नहीं देना पड़ता कि बाबा मुझे ले जा, मेरा गोबर, मेरा गौमूत्र काम लगेगा तुझे, ऐसा तो नहीं कहती, मुझे ले जा, मैं तेरा वातावरण को पवित्र करूंगी, जहां रहूंगी वास्तु दोष निकल जाएगा, मेरी सेवा करेगा तुझे भगवत प्राप्ति तक हो जाएगी, भगवान कृष्ण ने मेरी सेवा की, देख ये सर्टिफिकेट है मेरे पास। गाय इंटरव्यू देने नहीं जाती, कुत्ता इंटरव्यू देने नहीं जाता, कोई भी पशु अपनी योग्यता का इंटरव्यू देने नहीं जाता, तो क्या उन्हें 2 रोटी नहीं मिलती? मिलती है ना, है ना, मिलती है, वो भी खाते हैं ना। हम इतनी जफाकशी करके आखिर 2 रोटी ही कमाते हैं, तो हमने उनसे क्या बेहतर कर लिया? शायद हमारे से उनकी लाइफ ज्यादा आसान है, हमारी ज्यादा टफ है। तो अगर हमने बच्चे पैदा कर लिए, या हमने पत्नी या परिवार बढ़ा लिया, या हमने 10-20 हजार ज्यादा कमा लिया, तो हमने पशुओं से ज्यादा बड़ा क्या किया? 20 लाख या 20 हजार कमा के भी खानी तो रोटी ना, सोने की रोटी तो कोई नहीं खाता। जिसको 65 रुपए है वो, जिसे 65 हजार है वो, और जिसे 6.5 लाख है वो, उन्हें भी खानी तो आटे की गेहूं की रोटी है ना, आप उस पे हीरे जड़ के तो नहीं खाते। सोने की रोटी कौन खाता है? गेहूं की रोटी मिलती है, और गेहूं की ही मिलती है, चाहे कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो, कोई कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो। और 2 रोटी लंगोटी भगवान ने देनी है, ये भगवान का वादा है। एक बार नारद जी भगवान नारायण के पास गए, नारायण प्रभो, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हा नारद, आज कैसे आना हुआ? प्रभु मुझे एक बात समझ में नहीं आई। क्या? आप कहते हो इस धरती पर जितने भी लोग पैदा हुए हैं उन सब को भोजन की व्यवस्था मैं कर देता हूं, किसी को भी भूखा नहीं सुलाता हूं। तो हे परमात्मन, इतने करोड़ों जीव है इस धरती पर, मनुष्यों को छोड़ दीजिए, वो तो अपने आप से भोजन बना लेते, पर उसके अलावा भी इस धरती पर करोड़ों जीव हैं, क्या सबका आप ख्याल करते हो? भगवान नारायण ने कहा, हाँ सबका ख्याल करता हूं,
ए नारायण नारायण, ऐसा कैसे हो सकता है? आप अकेले सारा दिन तो सोते रहते, जब देखो तो शेष शैया पर आंखें बंद करके बैठे, लक्ष्मी जी चरण चंपी कर रही, आप कब जाते सबको खाना खिलाने? नारद, ये मेरी व्यवस्था है, किसी को भी मैं भूखा नहीं सुलाता, ये मेरी व्यवस्था है। अच्छा, ऐसा? हाँ ऐसा। भगवान, मैं नारद हूं, जो भी कहिए सच सच कहिए। तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? क्योंकि आपने जब कृष्ण अवतार लिया था ना, तो झूठ ही झूठ बोला था, इसीलिए थोड़ा भरोसा कम आता है। नारद, ये बात सत्य है कि जितने भी जीव इस जगत में है उसे मैं भूखा नहीं सुलाता हूं। अब नारद को भी इस कथन पर परीक्षा लेनी सूझी। नारद जी चले धरती पर, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण हरि नारायण गुरु नारायण, हरि नारायण गुरु नारायण, सब नारायण नारायण नारायण, सब नारायण नारायण नारायण, मुझ में का नाश कर, पुण्य प्रदाता भगवान का नाम, परम मंगलकारी हरि नारायण गुरु नारायण, हरि नारायण गुरु नारायण, सब नारायण नारायण नारायण, सब नारायण नारायण। Thank you.
नारायण नारायण नारद जी आए, नारद जी आए, बढ़ाते ना नारद जी को आगे। नारद जी ने क्या किया, एक चींटी को उठाया और उस चींटी को एक माचिस की डिब्बी होती है ना, इतनी छोटी सी डिब्बी में डाल दिया। उस डिब्बी को दूसरी डिब्बी में, उस डिब्बी को तीसरी डिब्बी में, तीसरी को चौथी में, चौथी को पांचवी में, ये सोच के कि कहीं भगवान नारायण अपनी लीला करके डिब्बी में से चींटी को निकाल ना ले जाए। डिब्बी में डिब्बी, डिब्बी में डिब्बी, डिब्बी में डिब्बी, उसमें भी डिब्बी, और उसको अपनी धोती में बंद करके रख दिया और बार बार उसे हाथ लगा रहे कि चली तो नहीं गई कहीं, क्योंकि ये लीलाधारी है, कोई वस्तु कहीं होती और कहीं से निकालते, कहीं होती और कहीं प्रकट करवाते, ये नारायण है। बार बार उसे हाथ लगा लगा के देखते थे कि बराबर तो है, सही तो है जैसे मैंने रखी। डिब्बी में डिब्बी में डिब्बी में डिब्बी में डिब्बी में डिब्बी में डिब्बी। अब बोले, अब देखता हूं कि भगवान नारायण का कथन सच कैसे होता है। बड़े आए, कहते मैं किसी को भूखा नहीं सुलाता, रोटी और लंगोटी तो मैंने देनी है, देखूं कैसे देनी है। अब भक्त परीक्षा कर रहा है भगवान की। सुबह हो गई, सुबह से लेकर शाम तक 100 बार नारद जी ने अपनी उस डिब्बी को चेक किया, बराबर है, जहां रखी है वहीं पर है, कहीं हिली नहीं है। शाम होते होते उसने कहा, आज मैं नारायण को देखता हूं कि अपने वचन पर और कथन पर कितने खरे उतरते हैं। इस चींटी को ले जाऊंगा उनके सामने और कहूंगा, देखो ये तो भूखी रह गई ना, रात भी होने को आई है, आपने कहा किसी को भी मैं भूखा नहीं सुलाता हूं, अब तो ये सो जाएगी, रात हो गई है। फिर उन्होंने याद किया, हे नारायण, मेरे परमात्मन। नारायण प्रकट हुए, मुस्कुराए, बोले आप मुस्कुरा क्यों रहे, कोई लीला करी? बोले ना। मेरी डिब्बी चुराई? ना। बोले तू खोल के तो देख। उन्होंने डिब्बी खोली, उसमें से डिब्बी, उसमें से डिब्बी, उसमें से डिब्बी, जिसमें चींटी पड़ी हुई थी वो चावल का दाना खा चुकी थी और थोड़ा सा बाकी था। नारद ने यूं देखा, फिर यूं देखा, फिर देखा, यूं देखा, बोले हे प्रभु, हे नारायण, हे प्रभु, ऐसा कैसे हुआ? मैंने तो बड़ी सावधानी पूर्वक इस चींटी को इस डिब्बी में डाला था, आप इसमें चावल का दाना कब और कैसे दे गए? बोले नारद, मैं नहीं दे गया, जब तुम डिब्बी बंद कर रहे थे ना, तो तुम्हारे तिलक से वो अक्षत का एक चावल का दाना अंदर रह गया, जिससे इसका पेट भर गया, किसी को भूखा नहीं सुला। श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।